कर्नल प्रताप सिंह राठौड़ एक सच्चे देशभक्त, एक बहादुर सैनिक, एक निष्ठावान नागरिक, जिनका पूरा परिवार देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध। कर्नल प्रताप सिंह राठौड़ 1999 कारगिल वॉर के हीरो, जिनके नाम से दुश्मन सेना के सैनिक थर थर कांपने लगते, जिनकी बहादुरी के लिए उन्हें बहुत सारे पुरस्कार और मेडल्स मिले। उन्हीं मेडल्स में से एक ये मेडल हम आपको बहुत सम्मान और इज्जत के साथ वापस लौटाने आए हैं कर्नल साहब, इसे स्वीकार कर लीजिए। मुझे कोई मेडल नहीं चाहिए। लेकिन क्यों कर्नल साहब? हम जवान जान की बाजी लगाकर दिन रात देश की रक्षा करते हैं, इसलिए कि देश में अमन और शांति रहे, खुशहाली और भाईचारा रहे। लेकिन देश के अंदर क्या चल रहा है? बेईमानी, कालाबाजारी, भ्रष्टाचार, प्रांतवाद, कहाँ वो एकजुट भारत देश जिसके लिए हम जवान देश की सीमा पे बारिश, ठंड और धूप की परवाह किए बिना हमारी जान की आहुति देते हैं। अखबार में नजर डालो, रोज कोई ना कोई घोटाला नजर आता है। कोई जमीन हड़प रहा है, कोई अनाज हड़प रहा है, तो कोई सब्जी हजम करता है, तो कोई पूरे देश को हजम करने की तैयारी में है। जहां डाल डाल पे सोने की चिड़िया बसेरा करती थी, वो भारत कहाँ है? कहाँ है वो भारत जहां सत्य, अहिंसा और धर्म का पग पग डेरा था? वो भारत कहाँ है? कहाँ है वो भारत देश? कर्नल साहब, हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, इस देश के प्रति आपके भाव प्रणम में हैं। लेकिन कर्नल साहब, आप तो हमारे बुजुर्ग हैं, हमसे ज्यादा जानते हैं, हमसे ज्यादा समझते हैं। सूरज अगर बादलों की ओट में आ जाए और थोड़ी सी रोशनी चली जाए, इसका मतलब ये नहीं होता कि आसमान में सूरज नहीं है। कर्नल साहब, दर्पण पे धूल आ जाए और हमें अपना चेहरा नजर नहीं आए, इसका मतलब ये नहीं है कि दर्पण खराब हो गया। मैं जानता हूं कि भारत की भूमि पे धूल आ चुकी है कर्नल साहब, एक ऐसी धूल जो मिटाए नहीं मिटरी, बेईमानी की धूल, कालाबाजारी की धूल, आपने बिल्कुल ठीक कहा, जातिवाद की, प्रांतवाद की धूल। लेकिन कर्नल साहब, आप जैसे लोगों के नेतृत्व में हम सब लोगों को मिलकर इस धूल को मिटाना है। मेरे बाबूजी 71 की लड़ाई में शहीद हुए थे, मेरा बेटा 2008 में टेररिस्ट की गोली का शिकार हुआ था। देश में आज हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं और तुम लोग मुझे झूठी तसल्ली, झूठा दिलासा दे रहे हो। आपके भीतर जो गुस्सा है कर्नल साहब, वो जायज है और यकीन मानिए वही गुस्सा हम सबके भीतर है। लेकिन कर्नल साहब, अगर आप जैसा सच्चा देशभक्त, अगर आप जैसा बहादुर सैनिक निराश हो जाएगा, तो हम जैसे आम आदमी कहां जाएंगे? और कर्नल साहब, हमारे घर की किसी दीवार में दीमक लग जाए तो हम पूरी दीवार तो नहीं तोड़ देते ना? बिल्कुल, ये हमारा कर्तव्य है कि इस बेईमानी की दीमक को चुन चुन के हम इस देश से बाहर फेंक दें। बिल्कुल। और राठौड़ साहब, हम जिस गोकुलधाम सोसाइटी में रहते हैं ना, वहां पे सभी जाति धर्म के लोग बिल्कुल भाई भाई की तरह रहते हैं, किसी में कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं है। आप आकर देखिए हमारी सोसाइटी में। पर आप वहां आएंगे कर्नल साहब, तो आप देखेंगे कि गोकुलधाम सोसाइटी एक छोटा सा हिंदुस्तान है, एक प्यारा भारत है। और मुझे लगता है कि सारे भारत को ऐसा होना चाहिए जहां लोग मिलजुल के परेशानियां उठाएं और उसके बाद भी मुस्कुराते रहें। और यकीन मानिए, हिंदुस्तान ऐसा होगा जहां डाल डाल पे सोने की चिड़िया का बसेरा होगा। कर्नल साहब, आप जैसे सच्चे देशभक्त जब तक इस देश में हैं, तब वो दिन ऐसा आएगा कि फिर से सत्य अहिंसा का पग पग पे डेरा होगा। इसलिए हाथ जोड़ के आपसे अनुरोध है, हमारी विनती है कि आपका ये मेडल फिर से स्वीकार कर लीजिए। कर्नल साहब, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है कर्नल साहब, आप अभी बेहद क्रोध में हैं तो हम चले जाते हैं। लेकिन कल 26 जनवरी है, हमारा गणतंत्र दिवस, और मैं जानता हूं कि आपके लिए हमारे गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस से बेहतर दिन क्या हो सकता है। और आप जैसे लोगों की वजह से ही इस देश का हर नागरिक बेखौफ होके, निडर होके ये राष्ट्रीय उत्सव मना पाता है। और मैम, आपसे हाथ जोड़ के हमारा अनुरोध है कि कल
26 जनवरी के दिन आप राठौड़ साहब को लेके हमारी सोसाइटी में आइए। यकीन मानिए, अगर इनके जैसा सच्चा देशभक्त हमारी सोसाइटी में आया तो हम सबको बेहद खुशी होगी। और 26 जनवरी जैसे पवित्र दिन अगर ये मेडल हम उन्हें सौंप देते हैं तो हमें गौरव की अनुभूति होगी। मैं नहीं आऊंगा, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा, कहीं भी नहीं। राठौड़ साहब, भले ही आप कह रहे हैं कि आप नहीं आएंगे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि यदि आपको हमारे देश से प्यार है, जो कि है, अगर आपको हमारी संस्कृति पे भरोसा है, जो मैं जानता हूं कि है, अगर आप जानते हैं कि हमारे संस्कारों की नींव कितनी मजबूत है, तो आप जरूर आएंगे। और हम ही नहीं, सारा हिंदुस्तान आपका इंतजार करेगा।